मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि कम टू नो और गेट टू नो में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। कम टू नो का मतलब होता है अचानक से पता चलना, यानी कोई बात एकाएक पता चलना। पहले से पता नहीं होता है कि आपको ये बात पता चलेगा, ऐसा अचानक से हुआ या एकाएक हो गया। जैसे I came to know she is married. मुझे अचानक पता चला कि वह शादीशुदा है। I came to know he died. मुझे अचानक से मालूम चला कि वह मर गया। I came to know you failed in examination. मुझे अचानक से मालूम चला कि आप एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं। I came to know you are poor. मुझे अचानक से मालूम चला कि आप गरीब हैं। आइए फ्रेंड्स देखें कि गेट टू नो क्या है। हम गेट टू नो का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि हम एक दूसरे के बारे में जाने, यानी एक दूसरे के बारे में फेमिलियर हुए। जैसे मैं उसे हॉस्पिटल में मिला और हम एक दूसरे के बारे में जाने, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I met him in the hospital and we got to know each other. यानी हम दोनों हॉस्पिटल मिले और एक दूसरे को जाने। शादी करने से पहले आपको एक दूसरे को जान लेना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे You should get to know one another before getting married. यानी किसी से शादी करने से पहले आपको एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि कम टू नो का मतलब होता है अचानक से किसी बात का पता चलना, जबकि गेट टू नो का मतलब होता है किसी के बारे में जानना या किसी से फैमिलियर होना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इन दोनों वर्ड्स को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन्स के साथ, तब तक के लिए बाय।